हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में आज अपने हाई के आसपास पहुंच गए। बड़े टाइम बाद दोबारा बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास पहुंच गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने 2020 से स्टार्टिंग करी थी चलना, यहाँ से हम ऊपर गए और फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया और फिर ऊपर गए। फिर यहाँ पर थोड़ी करेक्शन आई, फिर दोबारा ऊपर गए, इसके हाई तक पहुँचे, थोड़ा ऊपर गए, फिर करेक्शन आ गई। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, इसके यहाँ पे गए और थोड़ा आई पे पहुँचे, फिर करेक्शन आ गई। और फिर यहाँ पे भी यही हुआ, तो इसके ऊपर गए, थोड़ी देर रुके, फिर नीचे आ गए। और इस बार भी यही होने के चांसेस है। इस बार ये जगह कम बची है, तो इस बार होने के चांसेस ये है कि ये ऊपर जा सके थोड़ा सा। कई 50-55 हज़ार के घर के, मतलब 50 हज़ार के आसपास से नीचे आ जाए, यहाँ तक अपने इस लेवल तक 46 हज़ार के आसपास तक ये नीचे आ जाए। अपने जैसे हम छोटे टाइम पे में देखने जा रहे हैं कि कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। हर बार ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। इस बार एक राउंड फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कितना, 50 हज़ार। यहाँ पे 50 हज़ार पे मार्क लगा लो, 50 हज़ार पे राउंड फिगर दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि 50 हज़ार पे राउंड फिगर। अब बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, क्योंकि राउंड फिगर है 50 हज़ार, एक राउंड फिगर है। और ऐसा हर बार होता ही है कि राउंड फिगर पे मार्केट वो करती है, जैसे ये 44 हज़ार था, फेंक दिया, राउंड फिगर नीचे आ गया, राउंड फिगर के आसपास नीचे आ गया, काटेगा, ऊपर जाएगा, सबस्टेन करके फिर निकालेगा, तो अलग बात है। यहाँ सबस्टेन नहीं कर पाया ना, सीधा दोबारा 46 हज़ार पे देखोगे बैंक निफ्टो को, आप सीधा 46 हज़ार पे। ये हर बार होता आया है, हर बार मैं इस चीज़ में सही हुआ हूँ, और इस बार मैं आपको भी ये चीज़ बता रहा हूँ, ये हर बार होता है। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कि मार्केट है भाई, कुछ भी अलग हो सकते ही है, मार्केट तो सुप्रीम ही है भाई, कुछ भी हो सकता है। पर जहाँ तक हमारी देखने का नज़रिया है ना, वहाँ तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये यहाँ के आसपास 49 हज़ार के आसपास या कहीं से इधर उधर से नीचे आ जाएगा, ये कम गिरेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी बहुत, निफ्टी मतलब इससे ज़्यादा गिरेगा निफ्टी। अगर हम निफ्टी का चार्ट लगा लेना, एक बार आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूँ, अगर हम निफ्टी का चार्ट लगा देना, देखो उस दिन हमने लाइव ट्रेड करा था, जो जो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि हमने 1 मिनट में, हमने 1 मिनट में ये वाली कैंडल, ये वाला ट्रेड दिया था कि मार्केट गैप अप खुल गई है, गैप इस लेवल था, बहुत सारी वॉल्यूम इस लेवल पे हमने शॉर्ट करा, इसके नीचे 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 नीचे, और यहाँ कहीं हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। सेकंड और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पर टाइम बिताने लग गया, फिर हमें लगा कि एक ट्रेड और लेना चाहिए, और यहाँ से फिर हमने एक और ट्रेड लिया, और यहाँ से ये ऊपर घुमा गया, और जैसे ही इन्हें ऊपर घुमाया, हमने यहाँ कहीं अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया था। वाह, मज़ा आ गया था कल, वो परसों, वीरवार को। और बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड करा था कल, लास्ट डे जो फ्राइडे को करा था, यहाँ पे ट्रेड करा था, यहाँ पे हमारा ट्रेड था, और 3:15 पे हम निकल गए थे। दोबारा हम निफ्टी का लगा लेते एक बार, लाइव में है सब चीज़, आप देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइव में आप देख सकते हो, हम ऐसा ही हुआ है। और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा, बार बार इधर बायर और सेलर बराबर है, चाहे आप FII को देख लो या DII को देख लो या
क्लाइंट को देख लो, किसी को भी देख लो, प्रो को देख लो, सब बराबर है, सब के सब, किसी को कोई अंदाजा नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी इधर से, या सेलर जीतेंगे या बायर जीतेंगे। अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो ज़्यादा नीचे, तो ये निफ्टी आ सकती है, निफ्टी अपना 22,000, अगर 22,100 को तोड़ दिया तो लास्ट इस लेवल तक आ सकता। हमारा पहला पुराना टारगेट तो यही था, अगर ये वाला अगर ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती ना तो हमारा था 21,500, पर ये ऊपर खींच के ले गया, इसको किसी को माल वाल नहीं देना भाई, ये सीधा ऊपर खींच के ले गया। ये वाली ट्रेड लाइन थी, वन डे पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली ट्रेड लाइन, अगर ये ब्रीच होके नीचे या सस्टेन नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा उसी दिन ले गया, उसी दिन और 2-3 दिन यहाँ कंसल्ट करा, फिर ऊपर दोबारा ले लिया। तो यही है निफ्टी में, निफ्टी का व्यू यही है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, यहाँ पे इससे ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करे और फिर निकाले ना तो अच्छी तरह निकालेगा, 23,000 के आसपास से जाके नीचे इन सबको आना है, क्योंकि ये सब के सब ओवर वैल्यूड हो गए हैं, मानो ना मानो। सेकंड हम बात कर लेते स्टॉक की, क्योंकि स्टॉक के 2-3 स्टॉक की बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत टाइम से चली नहीं है, 4 साल से, 3-4 साल से यहीं पे, यहाँ से लेके 2021 अक्टूबर से, एक अच्छा मूव तो दिया था इन्हें, 21 अक्टूबर से ये ऊपर ही नहीं कटी, इस बार ये अपनी ट्रेड लाइन काटने के लिए जा रही है। वॉच करो अच्छे से, देखो कि कैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा स्टॉप लॉस लगाओ नीचे, बहुत कम स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर के बहुत है, क्योंकि टाइम बहुत बिता दिया इसने, जितना टाइम बिताएगा उतना रिटर्न देगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जितना टाइम बिताएगा उतना रिटर्न देगा। यहाँ से ये 30% भी जा सकता है, 40% भी जा सकता है, 50% भी जा सकता है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, ये बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। और दूसरा स्टॉक है, एक दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, इसको करा 1 आवर पे, 4 आवर, नॉट 1 आवर पे, 1 आवर पे ये वो अपनी ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा है, जैसे कि वीकली पे यहाँ पे गया और नीचे आके अपनी ट्रेड लाइन द्वारा ब्रेक कर रहा है, और इसका हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, तो इसको देखो अच्छे से और इसको एनालाइज करो। 36% का ऊपर का अपसाइड का है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, कम स्टॉप लॉस है, टारगेट ज़्यादा है, तो ध्यान से इसे देखो, अच्छे से स्टडी करो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अपने सजेशन दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।